और आप देख रहे हैं स्टूडेंट, या जैसे कि आज हम आए हैं इनेलो के व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश जैन जी है, और उनसे आज के जो टेम की वो बातें हैं उनसे वो करेंगे और कुछ सवाल पूछते हैं उनके। आज जो देश के अंदर इतने बड़े हंगामे हैं, इतने बड़े हर जो वर्ग है बिल्कुल हर तरह से टूटा हुआ परेशान है, तो बात करते हैं उनसे। नमस्कार नमस्कार गंडेला साहब, आपके आपको आपकी पूरी टीम को और आपके माध्यम से पूरे दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। तो सतीश जी, जैसे कि आज के दिन पूरा सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल भरा पड़ा है, जो यूपी के अंदर आथरस है उसके अंदर एक 19 वर्षीय लड़की की रेप के साथ साथ उसको मार दिया गया, एक हत्या की गई है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम हाथरस हत्याकांड, मनीषा बहन जो हमारी थी उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई, इससे जनक अपराध देश और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं, मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, मेरे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला इस घटना की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। तो सतीश जी, जैसे कि वहाँ पर जो CM है आदित्यनाथ योगी जी, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने जो प्रदेश है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है, किसी भी दलित समाज पर कोई अत्याचार नहीं है, और काफ़ी बार स्टेटमेंट आती है, तो इस पर आप क्या कहोगे? योगी जी से मैं कहना चाहूँगा, योगी जी कथनी और करने को एक समान बनाइए। वोटों बैंक का ख्याल ना करके एक बहन एक बेटी, जो हाथरस की बेटी ही नहीं पूरे देश की बेटी थी, उसको न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करके उन गुंडा तत्वों को के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और शासन और प्रशासन उन गुंडा तत्वों को मजबूर कर दें कि आगे से ऐसी कोई घटना किसी भी भाई के साथ, किसी भी बहन के साथ ना घट पाए, वर्ग चाहे कोई हो। हम योगी जी से मांग करते हैं तुरंत मनीषा हत्याकांड में चाहे कोई कितना ही बड़ा अपराधी उसमें संलिप्त हो, उनको राजनीति के प्लेटफार्म से ऊपर उठ करके तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और हम तो ये भी मांग करते हैं कि उनको आगे से लोग सबक लें, बीच चौराहे के उनको फांसी लगवाने का काम सरकार को अपनी तरफ से करना चाहिए, जिससे बहन मनीषा को न्याय मिले। तो इससे पहले भी सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं रेप की और उसके बाद हत्या की, तो उस पर जो वहाँ का जो सिस्टम है क्या कहीं ना कहीं एक जो धर्म या जात के नाम पर तो निकला रखा है? कंडेला जी, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करने में संलिप्त है। आज सबका साथ सबका विकास, भयमुक्त शासन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जैसे नारे दे करके केवल ये बातें नारों में सिमट कर रह गई। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय दौर में है, आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ी हैं, और मेरा ये मानना है अगर प्रदेश में कबीरा वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दबे कुचले लोगों को अगर सरकार संरक्षण नहीं दे पाएगी तो ये आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी। सरकार को जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पर कुछ हिंदू संगठन है जो अपराधियों के बचाव में आए हैं, और काफ़ी चर्चा में सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, तो इस पर आप क्या कहोगे? कंडेला जी, ये सारी बातें, सारी ये बहस, सारा ये समर्थन, सारा खुल के आना कहीं ना कहीं दूषित राजनीति को इंगित करता है, और बात घूम फिर के उसी वोट बैंक की तरफ जाती हैं। लेकिन हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके दोषियों के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई हो, इस देश और प्रदेश में अमन शांति का माहौल हो, सभी लोग भाईचारे से रह सकें, भयमुक्त शासन हो, इसका
व्यवस्था की जिम्मेवारी सत्तासीन पार्टी की है, सत्तासीन मुख्यमंत्री की है, सत्तासीन प्रधानमंत्री की है। यदि वो किसी को सुरक्षा देने में नाकामयाब हैं तो मैं योगी जी से चाहूँगा, योगी जी से मांग भी करता हूँ मैं आपके माध्यम से, वो इस्तीफा दे करके जनता के बीच में जाएं और अपनी भक्ति भावना करें। शासन और प्रशासन चलाने वाले राजनीतिक लोग बहुत हैं, वो चला लेंगे। इससे पहले जो रेप हुए थे और मर्डर भी हुए थे रेप के साथ साथ, जैसे कि एक डॉक्टर थे रेड्डी, तो योगी जी वहाँ पर गए थे, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर ना तो उनको जाके उनके परिवार से मिला, और उल्टा उनको बोलते कि जो आथरे से हत्याकांड में मनीषा है लड़की है उनके परिवार वालों को भी आप यहाँ पर आओ मेरे पास, तो इस पर आप क्या कहोगे कंडेला जी? जो पीड़ित परिवार है, इससे पहले जैसे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो छोड़ने पर मजबूर थे क्योंकि वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी था उस लड़की के साथ, और उसके बावजूद भी योगी जी ने कहा कि आप यहाँ से मेरे पास आइए। कंडेला जी, दूषित राजनीति को हम लोगों को पहचान करके उन लोगों को राजनीति में वोट की चोट से उनको आगाह करना पड़ेगा। एक कुलदीप सिंगर नाम के विधायक उत्तर प्रदेश में हुए हैं जिन्होंने पिछले दिनों जिनके ऊपर बलात्कार का हत्या का बहुत बड़ा उन पर आरोप लगा और उस लड़के के पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया गया। मेरा मानना है, मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मांग करता हूं कि बगैर जाति पाति भेदभाव के मनीषा इस कांड में मनीषा के परिवार को, मनीषा के घर वालों को, मनीषा को न्याय मिले और बगैर देर किए मुख्यमंत्री महोदय को उनके यहाँ जाकर के संज्ञान लेना चाहिए और उस परिवार की कम से कम 50 लाख रुपए से और एक सरकारी नौकरी से उस परिवार की मदद करके उसको जीने का अधिकार देना चाहिए। तो जैसे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, इतना बड़ा गुंडागर्दी चली हुई है, तो ये आप क्या कह रहे, कहीं ना कहीं ये सरकार की तो नहीं? गुंडा तत्वों को सख्ती से उनसे निपटने के लिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सुरक्षा बलों को आधुनिक वाहन, आधुनिक हथियार और उनको ओपन हैंड देना पड़ेगा, और गुंडा तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आकर के जब तक गुंडा तत्व के एनकाउंटर नहीं होंगे, जब तक गुंडा तत्व अपने कारनामे अंजाम देते रहेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, सदी सदियों से चला आ रहा है, जब भी किसी उत्पीड़न का शिकार होता है तो गरीब दबा कुचला व्यक्ति ही शिकार उसका होता है, और सरकार को बगैर भेदभाव के इस देश और प्रदेश में अमन शांति बहाल रहे, जाति पाति का जहर ज़्यादा ना घुले उस पे कायम रहते हुए इसको सख्ती से निपटना चाहिए और गुंडा तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करके मनीषा के परिवार को, मनीषा के समाज को उन्होंने न्याय देने का काम करना चाहिए। तो जैसे कि सतीश जी, लगभग 15 से 16 दिन वो लड़की जो है एडमिट रही, और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी ना तो उस टाइम तक उनकी गिरफ्तारी हो पाई और ना ही उस पर उचित कार्रवाई की गई, और वो जो उनके परिवार वाले हैं वो वहाँ पर भी मतलब गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव हो सकता है, क्योंकि जो बलात्कारी हैं, जो मुजरिम हैं, वो एक उच्च जाति के हैं, ठाकुर जाति के हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दबाव शासन प्रशासन पे तो नहीं है। कंडेला साहब, लोकतंत्र में कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। वोट का अधिकार एक दलित को, एक श्रवण को, एक किसान को, एक व्यापारी को, एक कर्मचारी को, एक कमेरा वर्ग को बराबर का प्राप्त है। और मैं तो विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन पार्टी से मांग करता हूँ, अविलंब इस कांड को और ज़्यादा जातिगत रंग देकर के हालात देश और प्रदेश में ना बिगाड़ें। मनीषा हत्याकांड का, मनीषा गैंगरेप का रोष पूरे भारतवर्ष में और 36 बरादरी के बीच में है। अविलंब
उस राजनीतिक कारणों को आड़े ना आने देने करके योगी सरकार को तुरंत रूप से उन गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करके और प्रशासन हाथरस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि उनको कड़े से कड़ी सजा मिले, जिससे आने वाली पीढ़ियां सबक लें और कोई गुंडा तत्व ऐसा जनज्ञ अपराध ना कर पाए। जैसे कि अभी सतीश जैन जो है इनेलो के व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष है, अभी उन्होंने बताया कि जो आतरस के अंदर यूपी के अंदर एक दलित परिवार की लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, बलात्कार के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी, जीभ भी काट दी, और अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं है अपराधियों पर। तो अभी सतीश जी ने बताया कि बिल्कुल पूरे देश के अंदर इसका रोष है और 36 बिरादरी जो है इसका विरोध कर रही है। तो आगे भी हम ऐसी जो घटनाओं पर आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। जैसा कि अभी एक बात और है, अभी सतीश जी से बात करेंगे, अभी बड़ौदा के अंदर उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जो कि दलितों के अंदर इतना बड़ा रोष है, तो कहीं ना कहीं सतीश जी ये जो रोष है कहीं ना कहीं जो बड़ौदा के उपचुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इस रोष का असर भी रहेगा, और जो 3 अध्यादेश काले कानून किसान व्यापारी और कमेरा वर्ग के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार लेकर के आई है, उसका रोष भी रहेगा। और बहन अमीषा हत्याकांड जिस बर्बरता से उस एक 19 साल की लड़की का रेप किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभा काटी गई, ऐसा भयानक अपराध हुआ है, इसका निश्चित तौर पे बड़ौदा हलका की बहादुर जनता पर इन दोनों चीज़ों का रोष कायम है। और आने वाले इस 3 तारीख के चुनाव में वहाँ की जनता वोट की चोट से अपना जवाब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार को देने का काम करेगी।